घर की साफ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, और लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में आप अपने हाउस हेल्प को भी नहीं रख सकते, तो क्या करें। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताऊंगी जो आपके पूरे घर को साफ कर देगा बस एक क्लिक में। फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द सेम वीडियो इन इंग्लिश फॉर विच लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नमस्ते आप सबको, मेरा नाम सुचि है और मैं वीकली बेसिस पे होम ऑटोमेशन के वीडियो लाती हूँ। अगर आप अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करना चाहते हैं और अपना समय एंड एफर्ट बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं iLife A9S रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अनबॉक्सिंग एंड झाड़ू लगाने के फीचर को दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके पोछा और मेंटेनेंस को कैसे करते हैं। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें पहले रोबोट वैक्यूम क्लीनर का मेन बॉडी है, ये मैंने रोबोट वैक्यूम क्लीनर निकाला, ये हमारा झाड़ू और पोछा का मशीन है, और ये है ऑन एंड ऑफ बटन, ये कैमरा है फॉर विजुअल मैपिंग के लिए। अब इस रोबोट के पीछे के हिस्से को देखते हैं, इसमें पीछे कुछ सेंसर्स लगे हैं, ये साइड ब्रश है, ये फ्रंट व्हील है, ये दोनों साइड व्हील है, और ये मेन ब्रश है, ये चार्जिंग पॉइंट है, और ये डस्टबिन है। तो अब चल देखते हैं एडिशनल चीज़ों को। ये साइड ब्रश, एक्स्ट्रा साइड ब्रश दिया हुआ है, ये चार्जिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोबोट चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रो वॉल है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, और ये आप देख सकते हैं रिमोट, और साथ में आपको एक मॉपिंग अटैचमेंट मिलेगा। तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर के मेन बॉडी में एक स्वीपिंग अटैचमेंट है जिसको रिमूव करके हमें ये मॉपिंग अटैचमेंट वहाँ लगाना पड़ेगा। ये देखिए वहाँ से आप निकाल सकते हैं स्वीपिंग अटैचमेंट और उसी जगह पे ये मॉपिंग अटैचमेंट डाल सकते हैं। ये है क्लीनिंग ब्रश, ये हिप्पा फिल्टर है और एक मेन ब्रश है, और साथ में कुछ मॉपिंग क्लॉथ भी है। तो अब चलिए देखते हैं एक क्लिक से मेरे रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने मेरे घर की सफाई कैसे की है। सो यहाँ मैंने कुछ गंदा रखा हुआ है, अब देखते हैं ये रोबोट इसे कैसे साफ करता है। ये देखिए, सो रोबोट ने पूरे अच्छे से सारे गंदगी को हटा दिया है। इस रोबोट में ऑटो नेविगेशन है और ये ऑब्स्टेकल को खुद ही डिटेक्ट करके क्लीनिंग बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये आप देख सकते हैं मैट के ऊपर कितने अच्छे से निकल गया है, और ये फर्नीचर के नीचे से जाते हुए पूरे घर को क्लीन कर देगा ये वैक्यूम क्लीनर। हर एक एजेस में, हर एक कोने में ये खुद जाके खुद नेविगेट करता है और अच्छे से क्लीन कर देता है। सो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ सामान यहाँ रखा है, मुझे उस सामान को हटाना है, फिर ये क्लीनर वैक्यूम क्लीनर जो है सफाई करेगा। ये देख रहे हैं आप, ये टेबल के नीचे से खुद ही निकल के साफ कर रहा है। और अब आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं ये पूरे मेरे पूरे घर को किस तरीके से क्लीन करता है। ये अपने चार्जिंग पॉइंट से निकल के अब क्लीनिंग करेगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि वंस ये आपकी क्लीनिंग पूरे घर की कर लेता है तो ये अच्छी तरीके से घर की एक मैपिंग कर लेता है। तो जब भी इसे आप शुरू करेंगे ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कौन से रूम में जाना है और क्लीनिंग करना है और कहाँ क्या ऑब्स्टेकल है, ये खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेगा और सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए घर की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेगा हर एक कोने में जाते हुए। सो वंस ये आपको एक क्लिक करना है और आपका घर क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट। ये आप देख सकते हैं ये हर जगह से क्लीनिंग कर रहा है। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि आप अपने बाथरूम के दरवाजे बंद रखें। ये आप देख सकते हैं चेयर के नीचे से, स्ट्रॉलर के नीचे, टेबल के नीचे, हर जगह से ये कितनी अच्छे तरीके से सारे गंदगी को साफ करता हुआ निकलता जा रहा है। अब ये एक दूसरे रूम में जाता है और यहाँ फिर पलंग के पास भी क्लीनिंग करता है, ये पलंग के नीचे भी जाके बड़ी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देता है।
और ये देखिए, क्लीनिंग के बाद अब आप अपने फ़ोन में इसका एक मैप देख सकते हैं, ये जहाँ पे क्लीनिंग करेगा वहाँ पे इस तरीके का वाइट मैप बन जाएगा। सो लेफ़्ट में आप देख सकते हैं मेरा दो रूम है जिसकी क्लीनिंग इसने कर दी, और रेड पॉइंट जो आप देख रहे हैं वहाँ वो किचन एरिया है जो जहाँ वो अभी क्लीनिंग कर रहा है, और राइट साइड में हॉल है जहाँ वो सारी क्लीनिंग कर चुका है। सो ये एक अच्छा सा मैप बना देता है जिससे आपको आइडिया हो कि इसने कहाँ कहाँ क्लीनिंग की हुई है। और अब क्लीनिंग करने के बाद ये अपने चार्जिंग स्टेशन पे वापस जा रहा है, ये आप देख सकते हैं स्लोली इसने डिटेक्ट कर लिया है अपने चार्जिंग स्टेशन को। सो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसे चार्जिंग कैसे करें, ये खुद ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग स्टेशन पे जाता है और वहाँ चार्ज हो जाता है। अब पूरे घर की क्लीनिंग के बाद देखते हैं कि इसने कितने गंदा घर का कलेक्ट किया है अपने डस्टबिन बैग में। सो ये मैं डस्टबिन निकालती हूँ, इसमें चेक करूँगी कितना सारा गंदा है और इसे क्लीन करूँगी। सो ये आप देख सकते हैं सारे गंदगी इसमें कलेक्टेड है, इसमें घर के सारे गंदे हैं जैसे छोटे मोटे टुकड़े हैं पेपर के, कुछ हेयर्स हैं, कुछ खाने के दाने वगैरह हैं, और इसे अब मैं क्लीन करूँगी क्लीनिंग ब्रश से जो कि आपको साथ में मिलेगा रोबोट के। ये देखें इतना सारा कचरा जमा है इसमें, और अब इसे मैं क्लीनिंग करूँगी। सो इसमें क्लीनिंग आपको सिर्फ एक क्लीनिंग ब्रश से करने की ज़रूरत है, पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आप एक पेपर में कलेक्ट कर सकते हैं और इसे डस्टबिन बैग में डाल सकते हैं। ये देखें छोटे छोटे टुकड़े पेपर के भी हैं, ये मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। अब फीचर्स की बात करते हैं, ये है ऑटो शेड्यूल। सो इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक टाइम शेड्यूल कर दीजिए रोबोट में, वो खुद ही अपने टाइम पे स्टार्ट होगा और आपके घर की क्लीनिंग कर देगा और वापस चार्जिंग पॉइंट में चला जाएगा। सो सब कुछ ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है स्पॉट क्लीन मोड, अगर आपको किसी एक जगह पे लाइक कहीं पे टी स्टेन गिर गया है वहाँ पे सिर्फ क्लीनिंग करना है तो आप वो क्लीनिंग कर सकते हैं स्पॉट क्लीन मोड से, जहाँ पे वो सर्कुलर वे में एक ही जगह क्लीन करेगा। ये आप देख सकते हैं कैसे एक ही जगह घूम घूम के वो क्लीनिंग कर रहा है। थर्ड इज एज क्लीन मोड, अक्सर ऐसा होता है कि कोने और एजेस में घर में अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो आप ये रोबोट से वो क्लीनिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे एजेस में वो जाके अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है। नेक्स्ट इज पावर मैक्स मोड, अगर आपको घर में डीप क्लीनिंग करना है तो आप इस मोड से क्लीनिंग कर सकते हैं, ये डीप क्लीन करेगा आपके घर को। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोवॉल, अगर आपको किसी एरिया में रोबोट को नहीं भेजना है जैसे कि बालकनी एरिया या बेबी प्ले एरिया, देन आप वो इलेक्ट्रोवॉल वहाँ पर रख सकते हैं और वो इलेक्ट्रोवॉल दूसरी जगह में नहीं जाने देगा रोबोट को। नेक्स्ट इज क्लिफ डिटेक्शन, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मेरे घर में सीढ़ी नहीं है इसलिए मैंने ये टेबल पे रखा हुआ है, सो ये रोबोट सीढ़ियाँ डिटेक्ट कर सकता है और उस पर वो नहीं जाएगा। सो आपको इसमें भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सीढ़ियों में रोबोट गिर जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं टेबल से कितनी आसानी से वो टेबल के ऊपर है और नहीं गिर रहा है। सो आप ये अपने सीढ़ियों वाले घर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रिचार्जिंग, सो आपको इसमें भी बहुत ही आसानी से बिना कोई टेंशन लिए ये खुद ही चार्जिंग पॉइंट पे जाएगा और रिचार्ज हो जाएगा। सो आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जाएगा और रिचार्ज हो जाएगा। ये देखिए ये अपने चार्जिंग स्टेशन को खुद भी डिटेक्ट कर लेगा, ये घर के किसी भी कोने से इसे डिटेक्ट करके चार्जिंग पॉइंट पर चला जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी, अगर आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अदर लेटेस्ट मॉडल भी इवेलुएट कर लीजिए लाइक आई रोबोट MI एट्सेट्रा, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और एवरी ईयर न्यू मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। रोबोट वैक्यूम क्लीनर टेक्नोलॉजी में अभी और भी इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो परचेज करते समय इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। मैंने ये iLife A9S रोबोट 6 मंथ्स बैक लिया था एंड देन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस अमॉन्ग द अवेलेबल ऑप्शंस।
हाउएवर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, स्पेशली इन मॉपिंग एंड सर्विसिंग, जो मैं डिटेल में शेयर करूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूँ, और लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद सुचि स्ट्रीम।